सर्दी के दिनों में हम सभी को मूंगफली खाना बहुत ही अच्छी लगती है, तो चलिए आज घर पर मूंगफली रोस्ट करते हैं। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो मूंगफली रोस्ट करने के लिए गैस पर पैन रखकर गैस ऑन कर लिए हैं, और देखिए इस तरह का सर्दी में हम बाहर से लाकर धूप में बैठकर बहुत खाना पसंद करते हैं मूंगफली को, और इनमें दाने बहुत कम होते हैं, बहुत ही दाने कम निकलते हैं, बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। तो चलिए आज मूंगफली दाने को इसी टेस्ट में बनाते हैं, और आज मैं आपको दो तरीके से मूंगफली भुनना बताऊंगी, एक सॉल्टेड एक अनसॉल्टेड, दोनों का अलग अलग यूज होता है। तो चलिए भूनते हैं, और इसके लिए मैंने 600 ग्राम मूंगफली लिए हैं और दो भाग में बांट लिए हैं। पहले 300 ग्राम को नमक डालकर बनाते हैं और 300 ग्राम सादा बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये नमक लिए हैं, ये 1.5 कप है करीब, और पहले भी मैंने इसे यूज कर चुके हैं कई बार। तो सबसे पहले एक बाउल में नमक आधा छोटी चम्मच डालेंगे और पानी 2 चम्मच डाल लेंगे। तो अब नमक पानी में ये मूंगफली डालकर अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इसे ढककर रख देंगे करीब 15-20 मिनट। तो रख देते हैं एक साइड में, और ये मूंगफली जो हमने स्वादा बनाने के लिए लिए हैं इसमें भी पानी सिर्फ रखेंगे, नमक नहीं रखेंगे। इसमें भी 2 चम्मच पानी डाल लेते हैं पहले। और इसे भी मिला लेते हैं। तो इसे भी अच्छी तरह से चला लिए हैं, अब इसे भी साइड में रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए। तो 10-15 मिनट हो चुका है मूंगफली को, बीच बीच में चला लिए थे ताकि पानी इसमें ना रहे नीचे। तो अब पहले सादे वाले भून लेते हैं, फिर भुनेंगे नमक वाले। तो सारे मूंगफली डाल लेते हैं इस तरह से, और इसे पहले हाई फ्लेम पर ही 1 मिनट के लिए पानी सूखने तक इसे भुनेंगे। तो इस तरह से चलाते हुए भून लेते हैं। तो देखिए मूंगफली का कलर चेंज होने लगा है, पानी सूख गया है जो हमने डाले थे इसमें। तो हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लिए हैं, अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट भुनेंगे और फिर चेक करेंगे। जब तक ये क्रंची नहीं होगी तब तक भुनेंगे इसे। तो भून लेते हैं पहले 3-4 मिनट, फिर चेक करेंगे इसे। तो देखिए मैंने 3-4 मिनट भून लिए हैं, अब इसका कलर भी चेंज हो गया है बहुत, देखिए बहुत ही क्रिस्पी लग रही है देखने से ही। तो चेक करते हैं इसे, देखते हैं। तो देखिए छिलका अपने आप उतर रहा है, और ये ठंडी होने के बाद और करारी हो जाएगी मूंगफली। तो अब निकाल लेते हैं इसे, इस प्लेट में रख लेते हैं अभी। तो ये थोड़ी ठंडी हो जाए तो हम चाहे तो छिलका उतारे ऐसे खाए। यदि छिलका हमें उतारना है तो इस तरह से हाथ से रगड़ कर निकाल सकते हैं, बेलन से थोड़ा सा रगड़ कर निकाल सकते हैं, अथवा कोई साफ कपड़ा पर इस तरह से डालकर और इस तरह हाथों से इसे मसल कर इस तरह से हम निकाल सकते हैं, बहुत इजी होता है। अथवा एक थैली की तरह इस तरह बनाकर और इस तरह से रगड़ लेंगे तो छिलका बहुत आसानी से निकल जाती है। तो निकाल लेते हैं पहले मसल कर सारे छिलकों को। तो देखिए मैंने सारे छिलका निकाल लिए हैं मसल कर, अब इसे एक प्लेट में रख कर इसे फटक लेंगे अथवा झटक लेंगे। तो इस प्लेट में रख लेते हैं। तो इस तरह से दोनों हाथों से इस तरह से इसे झटकेंगे तो निकल जाएगा इसका छिलका। तो अभी मैं यहाँ पर नहीं करूँगी, यहाँ पर गंदा हो जाएगा, तो इसे बाहर जाकर अथवा सिंक के नज़दीक जाकर इसे झटक लेते हैं। तो अब चलिए नमक और पानी में डालकर जो मूंगफली रखे हैं उसे भूनते हैं। तो इसमें पानी नहीं है बिल्कुल नीचे, यदि पानी होता तो छान लेते, इस तरह से बीच बीच में चला लिए थे तो नीचे बिल्कुल पानी नहीं है, सारा पानी मूंगफली ने सोख ली, देखिए इस तरह से। तो हम कढ़ाई में नमक डालते हैं ये, और नमक को गर्म होने देंगे 3-4 मिनट तक, गर्म होने देंगे हाई फ्लेम पर ही, और चेक करेंगे यदि हाथ में गर्माहट लगे तो अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली। तो अब नमक गर्म हो चुका है, 4 मिनट गर्म कर लिए हैं नमक को, अब इसमें मूंगफली डालते हैं और इसे 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर ही भुनेंगे। तो अब सारे मूंगफली रख लिए, अब 1 मिनट भून लेते हैं इस तरह से चलाते हुए, फिर गैस का फ्लेम मीडियम करके और 3-4 मिनट फिर इस तरह से चलाते हुए भुनेंगे। बिल्कुल चलाना हमें बंद नहीं करना है, नहीं तो एक तरफ से जल जाएंगे, एक तरफ से सिकेंगे ही नहीं।
और देखिए नमक अभी मूंगफली में चिपक गए हैं, और जैसे जैसे ये मूंगफली भुनती जाएगी नमक अपने आप अलग होने लगेगा। तो देखिए अब नमक अलग होने लगा है, मूंगफली का कलर भी अब चेंज होने लगा है। तो अब गैस का फ्लेम मीडियम कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम पर ही इसे 3 से 4 मिनट भूनते हैं, फिर चेक करेंगे इसे। तो देखिए 3-4 मिनट भून लिए हैं मूंगफली को, अब ये करीब भून चुकी है, चेक करते हैं इसे। देखने से ही पता चल रहा है कि ये भून चुकी है, देखिए इस तरह से चेक करेंगे तो देखने से करारी लग रही है, इसका छिलका अपने आप उतर रहा है। तो अब ये भून चुकी है, गैस ऑफ कर देते हैं और इसे छान लेंगे एक छनोटा की सहायता से, अथवा कोई जाली हो इस पर डालकर छान लेंगे। तो इस तरह से छान लेते हैं एक छनोटा की सहायता से। सारे इसी तरह से छान लेते हैं। तो लीजिए मैंने सारे मूंगफली को छान कर रख लिए हैं और बहुत ही करारी मूंगफली भुनी है, तो इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और ये नमक को भी आप बार बार यूज कर सकते हैं, ठंडा करके डिब्बा में भर लीजिए और फिर दोबारा यूज कर सकते हैं। और देखिए ये मूंगफली मैंने छिलका साफ कर लिए हैं। तो लीजिए मैंने दोनों तरीके से मूंगफली भून कर बता दी। ये सादी मूंगफली को आप चाहे तो ऐसे खाए, अथवा चिक्की बना कर खाए, अथवा कोई मिठाइयाँ बना सकते हैं इससे। और ये सल्टेड मूंगफली को आप ऐसे खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब इसे अच्छी तरह से ठंडी होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिए और इस्तेमाल कीजिए। तो आप ये बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।